ब्रेजा के सेकंड बेस मॉडल में भी सीएनजी अवेलेबल हो गया है। जी हाँ भाई, सामने खड़ा है ब्रेजा का VXI मॉडल एंड ये इसका कंप्लीट सीएनजी मॉडल रहने वाला है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस कार के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कार के ओवरऑल लुक्स के बारे में, एक्सटीरियर लुक के बारे में बात करूंगा एंड फ्रंट से आप देखेंगे तो बढ़िया सा लुक आने वाला है भाई, काफी ज्यादा बोल्ड लुक है इस कार के फ्रंट लुक। ब्रेजा सीएनजी का माइलेज निकल कर आता है 26 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। इस कार के प्राइस के बारे में बात करूं तो 10,60,000 इस कार के प्राइस रखे गए हैं। बाकी ऑन रोड आते आते आपको 12,30,000 के आसपास ऑन रोड पड़ जाएंगे। बाकी फ्रंट की साइड में हैलोजन का सेटअप मिल जाता है, प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं एंड इंडिकेटर्स भी हमें हैलोजन में ही देखने को मिलेंगे। बाकी प्लेसिंग कुछ इस टाइप की ही रहने वाली है एंड नीचे की साइड ये फॉग लैंप की हाउसिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर फ्रंट ग्रिल की साइड में क्रोम का भी यूजिंग है तो देखने को मिल जाता है एंड ये ब्लैक कलर की ग्रे टाइप की ग्रिल जो देखने को मिलती है ये काफी अट्रैक्टिव है एंड डिजाइन कुछ इस टाइप का रहने वाला है। एयर डैम्स का भी यहाँ पर यूज किया गया है। ओवरऑल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड मस्कुलर से इसका फ्रंट लुक दिया गया है। नीचे की साइड ये ग्रिल देखेंगे, रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, स्किड प्लेट इसके अंदर नहीं मिलती है, अपर मॉडल में सिल्वर कलर की मिलती है स्किड प्लेट। बाकी गाइस अभी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ब्रेजा VXI मॉडल के फ्रंट लुक कैसे लगते हैं एंड अभी हम बात करेंगे कार के साइड लुक के बारे में। साइड में हमको ये बड़ी बड़ी सी ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर टायर का साइज जो है वो R16 इंचेस में दिया गया है। स्टील रिम मिलेगा व्हील कैप के साथ एंड टायर प्रोफाइल भी ठीक ठाक है एंड यहाँ से आप साइड लुक देखेंगे तो भाई क्या मस्त से इसके साइड लुक दिए गए हैं। सभी पिलर्स जो हैं ABC पिलर हमें ब्लैक्ड आउट मिलते हैं एंड ऊपर के साइड कोई भी रूफ रेल्स वगैरह यहाँ पर नहीं है। बॉडी मोल्डिंग जो आप देख सकते हैं ये भी काफी अट्रैक्टिव लग रही है, कम्प्लीटली काइंड ऑफ एक्सेसरीज में भी लगवा सकते हैं आप अपने हिसाब से एंड ऊपर के साइड ये रेन वाइजर मिल जाते हैं, ABC पिलर ब्लैक्ड आउट एंड ORVM पर हमें इंडिकेटर्स की प्लेसिंग मिल जाती है ऑटो फोल्डिंग मिरर के साथ। बॉडी कलर्ड हैंडल्स मिल जाते हैं, डोर हैंडल्स कम्प्लीटली। सो ओवरऑल अभी बात कर लेता हूँ कार के रेयर प्रोफाइल के बारे में, तो भाई ये देखो भाई पीछे की साइड ये TRL तो हर एक मॉडल में ही मिलते हैं एंड काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स एंड रिवर्स पार्किंग लैंप हमें हैलोजन में ही मिलता है एंड ये क्रोम से लिखा हुआ ब्रेजा की बैजिंग काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है एंड पीछे से कम्प्लीटली रेंज रोवर वाली फील जो है ये देती भी है। बाकी पीछे की साइड यहाँ पर कोई भी वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर जैसे कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलते हैं एंड पीछे की साइड ये कट्स एंड क्रीज लाइन जो है कम्प्लीटली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है इसके पीछे से एंड नीचे की साइड देखेंगे तो नीचे की साइड हमें रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं एंड 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। सुजुकी के पास भाई पार्किंग सेंसर्स की कोई कमी नहीं है एंड ऊपर की साइड हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाते हैं, वाइपर वॉशर यहाँ पर नहीं है, डिफॉगर मिल जाते हैं सिर्फ यहाँ पर। बाकी बूट स्पेस के बारे में बात करूँ तो बूट स्पेस कार का डिसेंट इनफ बच जाता है CNG टैंक लगने के बाद भी एंड काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेसमेंट जो है CNG की गई है यहाँ पर कंपनी ने, सुजुकी कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से पीछे वो कर दिए कम्प्लीटली, जिसके बाद 2 बैग तो आराम से आ जाएंगे। बाकी का स्पेयर व्हील की प्लेसिंग भी इसके नीचे दी गई है एंड सिंपली यहाँ पर सब कुछ जो है स्पेस सेवर में ही दिया गया है। हुक वगैरह मिल जाते हैं, लैंप वगैरह यहाँ पर मिल जाता है कम्प्लीटली। अभी बंद करते हैं एंड बात करेंगे ओवरऑल अभी इस कार के इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हैं, चेंजेस क्या मतलब क्या क्या मिल जाता है इस मॉडल में। सबसे पहले तो भाई डोर हैंडल्स इसके बॉडी कलर में ही दिए गए हैं एंड इंटीरियर की साइड आते हैं, सबसे पहले इसका डोर देख लीजिए भाई, यहाँ पर सॉफ्ट टचिंग मटेरियल टक काइंड ऑफ दिया गया है फैब्रिक के साथ एंड यहाँ पर ये ऑल 4 विंडो पावर में मिल जाती है, लॉक अनलॉक इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं एंड ऑटो फोल्डिंग ऑप्शन के साथ। बाकी गाइस नीचे की साइड डोर पॉकेट बॉटल होल्डर एंड स्पीकर की प्लेसिंग भी मिल जाती है एंड इधर की साइड देखेंगे तो भाई CNG फ्यूल स्विच का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं जो कि स्टैंडर्ड कर दिए कंपनी ने। बाकी फ्यूल लिड एंड बोनट ओपन करने का एंड डेड पेडल भी मिल जाते हैं नीचे की साइड। सो गाइस बात कर लेता हूँ कार के इंटीरियर के बारे में, तो डी शेप में इसका स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है, स्टीयरिंग व्हील माउंटेड सभी कंट्रोल मिल जाते हैं, बीचों बीच सुजुकी का लोगो, सिल्वर सटन फिनिशिंग का थोड़े बहुत एलिमेंट का यूज यहाँ पर किया गया है, कॉल कटन रिसीव के बटन यहाँ पर है एंड इसके थ्रू आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल भी कर सकते हैं एंड ये पुरानी वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन है क्योंकि ये टॉप मॉडल नहीं है इसलिए नई वाली अपडेट इसमें नहीं की गई है, बाकी स्क्रीन आ रही है वही बहुत बड़ी बात है। बाकी यहाँ पर हमें टैकोमीटर एनालॉग में देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर बीच में MID मिल जाएगी जिसके अंदर हमें CNG फ्यूल की इकोनॉमी को लेके पेट्रोल इन्फॉर्मेशन एंड इंजन टेम्परेचर एंड डिजिटल टाइम एंड रेंज जैसी काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर शो कर रहा है एंड 220 की मैक्सिमम स्पीड के साथ इसका एनालॉग में ही स्पीडोमीटर मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको MID को कंट्रोल करने के बटन मिल जाएंगे। एंड बात करूं कार के ट्रांसमिशन ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पर हमें 5-speed गियरबॉक्स का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है एंड ये ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है एंड नीचे की साइड डेड पेडल भी दिया गया है एंड ये एक्सेसरीज का पार्ट है बाय द वे, जो डोर ये जो मैट देख रहे हैं आप एंड चाबी इस कार में जो है इस टाइप की देखने को मिलेगी, सिंपल सी बलिनो के जैसी। तो ये है कुछ अभी इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले वायरलेसली कनेक्टिविटी के साथ नहीं मिलता है,
जिसको आप यहाँ से यूएसबी केबल को कनेक्ट करके इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। पावर 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है एंड सबसे बढ़िया बात कार के अंदर में ऑटोमेटिक में क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड डैशबोर्ड लेआउट आप देख सकते हैं सिल्वर की फिनिशिंग के साथ एंड ये टेक्सचर का यूज किया गया है यहाँ पर। ओवरऑल कम्प्लीटली टॉप मॉडल के जैसा ही है ये। एंड ग्लव बॉक्स आपको सिंपल सा इनफ स्पेस के साथ देखने को मिलेगा। पैसेंजर की साइड आपको ट्विटर मिल जाता है। डैशबोर्ड लेआउट कुछ ओवरऑल इस टाइप का ही रहने वाला है। IRVM जो है हमें ऑटोमेटिक के साथ नहीं मिलता बट एडजस्टेबल के साथ मिलता है। यहाँ पर माइक की प्लेसमेंट है, यहाँ पर मिरर मिल जाता है फ्रंट शीट में पैसेंजर साइड। यहाँ पर आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता है टिकट होल्डर के अलावा। एंड यहाँ पर हमें डोर हैंडल एंड ये लैंप दे दिया गया है पीछे की साइड, आगे की साइड कोई लैंप नहीं है। यहाँ पर कॉस्ट कटिंग मार ली है एंड ऊपर की साइड सनरूफ नहीं है इस मॉडल में, अपर मॉडल में मिल जाएगी आपको सनरूफ। एंड मेनली यहाँ पर जो है स्पेस मिल जाता है, ट्विन कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर आप फोन वगैरह रख सकते हैं तो स्पेस के मामले में भी तमाम सारा स्पेस जो है बच जाता है। बाकी पीछे की साइड की बात करूंगा अभी। सो रेयर की साइड हमें जो है सॉफ्ट टचिंग मटेरियल का यहाँ पर भी यूज होते हुए देखने को मिल जाएगा क्योंकि फैब्रिक में है। एंड फ्रंट वाली सीट जो है मैंने पूरी पीछे को कर रखी थी एंड उसके बाद देखिए नी रूम कितना सा बच रहा है। तो मतलब अगर पीछे सामने वाला जो है पूरी पीछे को करके चलाएगा तो आपके पास स्पेस जो है कुछ इतना सारा ही बचने वाला है जो कि इनफ नहीं है ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पर जो अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है एंड लेदरेड अपोस्ट्रोफी जो देख रहे हैं आप ये एक्सेसरीज का पार्ट है इस मॉडल के साथ। ये पर्टिकुलरली लेदरेड अपोस्ट्रोफी यहाँ पर नहीं आती है, फैब्रिक में मिलेगी। एंड एसी वेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर हमें एसी वेंट मिल जाते हैं इस मॉडल से ही, कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं है। यहाँ पर हो जाता तो ज्यादा बेटर होता। ऊपर की साइड लैंप है, हैंडल है, पार्शियल ट्रे है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है एंड आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं दी गई है। 60-40 स्प्लिट के साथ ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। बात करूं अंडर थाई सपोर्ट की तो अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ है एंड हेडरूम यहाँ पर जो है काफी अच्छा खासा बच रहा है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो इस कार के अंदर हमें 1.4 लीटर का CNG पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 86 bhp की पावर जनरेट करता है एंड 121 nm का टॉर्क जनरेट करने में ये इंजन सक्षम भी है। सो ओवरऑल ठीक ठाक सा इंजन मिल जाता है इस कार के अंदर। एंड 12 लाख के बजट में अगर आप कोई कार देख रहे हैं CNG मॉडल बट आपको SUV वाली फील चाहिए तो आप ब्रेजा CNG के ऊपर जा सकते हैं। ये ब्रेजा का VXI मॉडल है एंड ये मॉडल आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है एंड माइलेज के मामले में भी अच्छा है एंड इजिली कहीं भी अवेलेबल हो जाता है एंड सर्विस कॉस्ट भी काफी ज्यादा कमी है इस कार की एंड इंजन भी काफी ज्यादा रिलायबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सो गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस कार से रिलेटेड या किसी भी कार से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कार कैसी लगी ओवरऑल। एंड गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।